दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे के जस्ट बाद भारत की टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर भारत और वेस्टइंडीज आपस में 8 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलेंगे, जिस दौरान 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये पूरा का पूरा दौरा होने वाला है। इस दौरे का आगाज होने वाला है 3 मैचों की वनडे सीरीज के साथ, जिस वनडे सीरीज के लिए फाइनली BCCI और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर पूरा का पूरा कार्यक्रम ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। और इस वीडियो में आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली वनडे सीरीज की A to Z हर इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जहां पर हम जानेंगे इस सीरीज का पूरा शेड्यूल, न्यूज टाइमिंग, टेलीकास्टिंग, लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स, और साथ ही साथ इस सीरीज के लिए BCCI और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपनी अपनी टीमों का भी ऐलान कर दिया है, जहां पर वही काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस हमें दोनों टीमों के स्क्वाड्स में देखने को मिले हैं। और इस वीडियो आपको स्क्वाड्स भी पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर 3 मैचों की वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल एंड वेन्यूज के बारे में। तो वनडे सीरीज का पहला वनडे महामुकाबला हमें 22 जुलाई को पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद के स्टेडियम में देखने को मिलेगा, उसके बाद दूसरा वनडे महामुकाबला 24 जुलाई को त्रिनिदाद के स्टेडियम में होगा, उसके बाद इस सीरीज का तीसरा व अंतिम वनडे महामुकाबला हमें 27 जुलाई को त्रिनिदाद के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। टाइमिंग की हम यहां पर बात करते तो भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से इन तीनों वनडे महामुकाबलों की शुरुआत होने वाली है। लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स के बारे में हम बात करते तो यहां पर भाई थोड़ा सा शॉकिंग डिसीजन हमें देखने को मिला है, क्योंकि अब की बार यह सीरीज हमें ना तो सोनी पर लाइव देखने को मिलेगी, ना स्टार पर लाइव देखने को मिलेगी। जी हां, डीडी स्पोर्ट्स के पास यहां पर टीवी के टेलीकास्टिंग राइट्स इस सीरीज के है। वह यदि आप मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो वही फैनकोड ऐप पर आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली ODI और T20 सीरीज लाइव देखने को मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वाड्स के बारे में। तो इस सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय टीम का ऐलान काफी टाइम पहले ही कर दिया था, जहां पर टीम में हमें काफी सारे बड़े बड़े शॉकिंग चेंजेस देखने को मिले। जी हां, सभी सीनियर खिलाड़ियों को इस सीरीज से आराम पर रखा गया। जी हां, आपके रोहित शर्मा, आपके विराट कोहली, आपके हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, सभी बड़े खिलाड़ी सीरीज में हमें रेस्ट करते हुए नजर आने वाले हैं, और काफी सारे युवा चेहरों को यहां पर टीम इंडिया के लिए सीरीज में खेलने का मौका मिला। आपको बताना चाहूंगा टीम इंडिया कप्तानी हमें यहां पर शिखर धवन करते हुए नजर आने वाले, टीम का वाइस कैप्टन रविंदर जडेजा को बनाया गया है। भारत की 18 सदस्यीय टीम का ऐलान हुआ, बिल्कुल बदली हुई टीम हमें देखने को मिली है। तो चलिए फटाफट हम नजर डालते हैं इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के फाइनल स्क्वाड्स। तो यहां पर टीम इंडिया 5 प्रॉपर बल्लेबाजों के साथ उतरने वाली है, जो है शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और सुरेश अय्यर। उसके बाद हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो भाई 3 प्रॉपर ऑलराउंडर्स यहां पर टीम इंडिया के स्क्वाड्स में मौजूद होने वाले हैं, जो यहां पर हैं दीपक हुड्डा, रविंदर जडेजा और अक्षर पटेल। उसके बाद हम बात करते हैं विकेट कीपर्स की, तो भाई 2 विकेट कीपर बल्लेबाज इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड्स में अवेलेबल है, जो है ईशान किशन और संजू सैमसन। अंत में हम बात करते हैं गेंदबाजों की, तो भाई 6-7 गेंदबाजों को यहां पर टीम इंडिया के फाइनल स्क्वाड्स में शामिल किया गया है, जो यहां पर होने वाले हैं शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और हर्षदीप सिंह। आप सभी को बताना चाहूंगा कि ऐसी रिपोर्ट थी कि उमरान मलिक को टीम इंडिया के लिए ODI फॉर्मेट में डेब्यू करने का मौका मिलेगा, लेकिन उमरान मलिक को यहां पर टीम इंडिया के स्क्वाड्स में शामिल नहीं किया गया है। वही हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज टीम के स्क्वाड्स के बारे में, तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इस सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान नहीं किया। जैसे यहां पर स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट हो जाएगी तो अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको सबसे पहले पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले इस सीरीज की ब्रॉडकास्टिंग देखने को मिलेगी, सभी डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन दोस्तों आपके मुताबिक कौन सी टीम बनेगी इस वनडे सीरीज की चैंपियन, भारत या फिर वेस्ट इंडीज, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। लाल की स्टूडियो में जितना ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कर इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।